अभी तक आप लोग मखाने की खीर खाते होंगे, लेकिन क्या अभी कभी आपने जानने की कोशिश करी है कहाँ पैदा होते हैं? पौधे में लगते हैं, पेड़ में लगते हैं, या जमीन पे होते हैं, पानी में होते हैं? तो आज हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में दिखाएंगे कि मखाने की खेती करी जा रही है यहाँ पे। मखाना एक ऐसी फसल है जहाँ जलभराव वाली स्थिति होती है, जहाँ पानी की मात्रा अधिक है, ऐसी जगहों पर जहाँ और कोई भी फसल नहीं ली जा सकती है, ये मखाना की खेती वहाँ पर संभव है। और मखाना की खेती मात्र 9 महीने का इसका है टेन्योर होता है, अवधि होती है, और 9 महीने में ही इसकी दिसंबर और जनवरी, दिसंबर लास्ट और जनवरी में दिया जाता है, नर्सरी के लिए बीज डाले जाते हैं, और जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो अप्रैल और मई में जा करके या जून तक मेन प्लाट जो होता है वहाँ जाकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। मखाना एक ऐसी फसल है कि इसको धान के साथ भी, मछली के साथ भी किया जा सकता है, और क्रॉप रोटेशन इसके साथ ढेर सारे लिए जा सकते हैं। मुख्य रूप से जो भारत में खेती हो रही है बिहार में हो रही है। बिहार में इस पर एक नेशनल रिसर्च सेंटर है NRC दरभंगा, और दरभंगा से एक प्रजाति विकसित की गई है स्वर्णा वैदेही। अच्छा, स्वर्णा वैदेही प्रजाति को हम लोग वहाँ से ले आए और अपने यहाँ पिछले साल एक्सपेरिमेंट के तौर पे की, और 2-3 किसानों के यहाँ हम लोगों ने किया है। एक बीघे में डॉक्टर साहब कितना फायदा, मतलब एक बीघे तालाब के पास है, इतना बड़ा तालाब है, इसमें से कितना एक किसान को औसतन कितना फायदा हो सकता है? देखिए, यहाँ 1 एकड़ के तालाब में जी, बीघे पे तो थोड़ा सा, चलिए 1 एकड़ के तालाब में कितना होता है? एक एकड़ में आपको लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है, जब आप खुदरा बेच देते हैं सीड और प्रोसेस करके बेचते हैं तो ये फायदा। अगर मखाना को तैयार करके बेचते हैं, अगर आप बिना प्रोसेस किया हुआ सीधे सीड लिए और उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, तब आपको 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको फायदा मिल सकता है। और जब आप इसकी प्रोसेसिंग करके बेचें, लावा बना कर दें, अच्छा बिल्कुल, तब आपका फायदा 3 से 4 गुना तक। और मछलियाँ जो होंगी, जो धान होगा वो अलग से उसमें, जी जो ग्रास कार्प छोड़ करके जो मछलियाँ वनस्पतियों पर निर्भर रहती हैं उनको छोड़ करके बाकी सारी मछलियाँ, मांगुर इत्यादि में जो मांस खाती हैं उनको आप डाल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसके पत्ते तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मैंने बहुत पिक्चर में देखा हुआ, काफी बड़े बड़े ढाल, कैसे जैसे एक तलवार की ढाल होती है उसी तरह का बिल्कुल पत्ते हो जाते हैं। यही अभी जब आप सितंबर अक्टूबर के आसपास कभी यहाँ आएंगे तो पत्ते 1.5 मीटर डाय। अच्छा, इसमें उगाने की तकनीक क्या है? इसमें आपने खाद डाल दी, इसके बीज डाल दिए, ये तो नर्सरी। अच्छा, अपने आप ये तैयार हो गया, अब ये नर्सरी ब्लॉक हो गया। इसमें आपको बहुत नज़दीक जी, इतने इसमें से फिर निकाले जाएंगे तो जब मेन प्लाट में जाएंगे तो कम से कम 1-1 मीटर की दूरी पे इनको ट्रांसप्लांट करना है, और वैसे तो 4x5 पे ट्रांसप्लांट। तो क्या जमीन में गाड़े जाते हैं या फिर? नहीं, वो जमीन पे ले जा करके एक बार सेट कर दिया जाता है, बीज को एक बार दबा दिया जाएगा, जड़ को एक बार दबा दिया जाएगा, उसके बाद अपने आप को सेट।